नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ, तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। लालबाग और यातायात पुलिस ने जब्त किया बिना दस्तावेज के 11,80,000 रुपए। फरहत चौक में चौकसी नाकाबंदी से संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान की गई जब्ती। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसके मद्देनजर को फरहत चौक में यातायात पुलिस के साथ थाना लालबाग पुलिस की नाकेबंदी लगाई जाकर वाहन चेक किए जा रहे थे। इस दौरान तेलंगाना स्टेट पासिंग वाहन दिखे जाने पर बारीकी से तलाशी लिए जाने पर वाहन क्रमांक TS03UC5330 में 11,80,000 रुपये नगद कैश होना पाया गया, जिसके संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर किसी प्रकार के दस्तावेज मौजूद नहीं होना बताया गया। इस पर उक्त कैश की जब्ती कर उसकी आयकर विभाग राजनांदगांव को दी गई, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। आज फरहत चौक राजनांदगांव में नाकाबंदी करके वाहन की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक तेलंगाना पासिंग बोलेरो गाड़ी दिखी, जिसको चेक करने पर उसमें 11,80,000 रुपया बरामद हुआ। जिसके संबंध में दस्तावेज पूछे जाने पर कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ, तब उसको धारा 102 जाफों के अंतर्गत जब्ती करके इनकम टैक्स राजनांदगांव को सूचित किया गया है, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।